फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मुझे पता है मैं बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, और ये वीडियो मैं बहुत दिन से डालना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिला। तो आज सोचा थोड़ा टाइम मिला है तो वीडियो बना लो। तो ये वीडियो होने वाला है, मैं अपने सारे पेट्स आपको दिखाने वाला हूँ, जितने भी मेरे पास पेट्स हैं वो आपको दिखाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल होगा से ऑन कर दीजिए और एक लाइक दे दीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी पहली टैंक है। ये मैं न्यू बाई किया था। ये दरअसल हाइट में 1 फीट है और विड्थ में 1 फीट से थोड़ी कम है। इसके अंदर मैं एक स्पंज फिल्टर रखा हूँ और दो टाइप के प्लांट्स रखा हूँ, एक मॉस है और एक फ्लोटिंग प्लांट है। इसके अंदर मैंने गप्पीज रखा हूँ, हाफ ब्लैक गप्पीज बोलते हैं इनको, और श्रिम्स है और थोड़े स्नेल्स हैं। आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। अब जैसे कि देख सकते हैं, हाफ ब्लैक गप्पीज हैं, ये बहुत अच्छे से ब्रीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके बेबीज हर जगह हैं। और अगर आपको पता नहीं मेल और फीमेल डिफरेंस गप्पीज में, तो मैं बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट फोकस करता हूँ, ये आप जो देख रहे हैं पतला सिर का एक है, ये दरअसल मेल है और इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कलर है, थोड़ा ग्लिटर है इसकी बॉडी पर, शाइनिंग ग्लिटर है। और जो मेल होता है उसकी टेल काफ़ी कलरफुल और थोड़ी बड़ी होती है, फीमेल की थोड़ी छोटी होती है और मेल की थोड़ी बड़ी होती है। और मेल की बॉडी थोड़ी थिन होती है, थोड़ी पतली होती है, और ये मेल है। आप देख सकते हैं काफ़ी थिन है और काफ़ी कलरफुल है मेल ये, देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये फीमेल है और ये हाफ ब्लैक फीमेल है। मेरे पास दो फीमेल्स हैं, आपको दिखाता हूँ। इधर एक फ़ीमेल है और उधर पीछे, हाँ पीछे एक मेल फीमेल है। और ये काफ़ी अच्छे ब्रीड कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े छोटे बेबीज हैं इनके। और मेरे पास थोड़े स्नेल्स हैं, ये दरअसल फेक स्नेल्स हैं, मतलब ये लाइव नहीं है। ये आप जो छोटे छोटे से देख रहे हैं ये लाइव स्नेल्स हैं। और इसके अंदर चेरी श्रिम भी है, वो दरअसल इस मॉस के अंदर बैठे रहते हैं। ये देख सकते हैं अभी इधर एक श्रिम्प, ये चेरी श्रिम्प से हैं। और ये देखिए, ये जो है आपके आगे छोटा सा, ये मेल श्रिम्प है। आप डिफरेंस कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो मेल की टेल होती है थोड़ी सी पतली होती है। आप देख सकते हैं थोड़ा कलर डिफरेंस है, ये थोड़ी डार्क है, जो डार्क होती है वो फीमेल है और थोड़ी जो लाइट होता है वो मेल होता है। और इसकी टेल देखिए काफ़ी राउंड शेप है और मेल की काफ़ी यू शेप, मतलब ऐसी होती है, और फीमेल की ऐसी होती है। तो ये रही मेरी पहली टैंक। चलिए अब दूसरी आपको टैंक। बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चल गया हो कि ये वही टैंक है जिसमें मैं वो छोटा सा बेबी फ्लावरॉन रखा था, और मेरा चैनल का पहला वीडियो भी वही था बेबी फ्लावरॉन का। ये वही टैंक है और इसके अंदर मैंने रेडियस स्लाइडर टर्टल रखा हुआ है। इसका छोटा सा एक बास्किंग एरिया बना हुआ है, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा दरअसल रेडियस स्लाइडर टर्टल है। ये एक कॉइन जितना था जब मैं लाया था, अब ये माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं इसके आँख के पीछे जो रेड लाइन जा रही है, उसीलिए इसे रेडियस स्लाइडर टर्टल कहते हैं। इसका नाम गुगलू है। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसे एक बास्किंग एरिया बनाया हुआ है, इसके ऊपर चढ़कर ये अपना शेल थोड़ा सा ड्राई और हीट कर लेता है। ये बास्किंग एरिया मैं वाइट सीमेंट से बनाया हुआ था, काफ़ी ईजी है। और नीचे सपोर्ट के लिए थोड़े स्टोन्स दिए मैं, और एक बास्किंग लाइट, ये भी DIY है, मतलब मैंने इसे घर पर बनाया हुआ है। और इसकी फीड, आपको पता है इसकी फीड अलग से आती है, आप बाय कर सकते हैं टर्टल फूड करके। और चलिए अभी ये होगी दूसरी टैंक, तीसरी तो टैंक पर फ्रेंड्स, ये बढ़े। मेरी थर्ड टैंक है और ये थोड़ी सी बड़ी है। ये दो टैंक्स थोड़े से छोटे थे और ये थोड़ी सी बड़ी टैंक है। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और विड्थ थोड़ी कम है। और ये दरअसल ये टैंक चाइना से मंगाई जाती है, इंडिया में नहीं बनाई जाती, क्योंकि जो इसका ये ग्लास होता है ये बेंड किया जाता है, तो चाइना में बनाई जाती है। और इसके अंदर मैं लायन हेड गोल्डफिश रखा हूँ। कॉमनली इनको लायन हेड गोल्डफिश बोलते हैं, लेकिन इनका रियल नेम है ओरांडा गोल्डफिश। ये भी चाइना जापान से मंगाई जाती है, इंडिया में नहीं ये करी जाती है। और ये फ़िश हाइब्रिड होती है, मतलब ये वाइल्ड में नहीं मिलती, इनको इंसानों ने बनाया है। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल गोल्डफिश नहीं है, क्योंकि जो इनका हेड होता है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बिल्डअप होता है फ्लोरॉन टाइप, फ्लोरॉन को जैसे हेड आता है, इनको वैसे इनके पूरे फेस पर रहता है।
आप देख सकते हैं, काफ़ी क्यूट हैं। और ये थी मेरी थर्ड टैंक, आपको मैंने सारे टैंक्स दिखा दिए। और चलिए अभी फोर्थ पेट पर चलते हैं, जो कि तो फ्रेंड्स, क्यूटेस्ट जैसे पेट कि है। आप देख सकते हो, ये मेरी फोर्थ पेट है, घर घर की काफ़ी क्यूट पेट है, और इसका नाम मिन्नू है। हमारे फैमिली में सब इसको मिन्नू बुलाते हैं, और ये एक फ़ीमेल पर्शियन कैट है। इसके बाल थोड़े से कम हैं क्योंकि इसे हमने ट्रिमिंग किया था। और ये देखिए अभी बाइट कर रही है मुझे, और ये काफ़ी क्यूट है। इसका नाम मिन्नू है, और इसकी एज होगी करीब 4 इयर्स। जब मेरा यूट्यूब चैनल बनानी था उससे पहले से मैंने इसे पाल रहा हूँ। काफ़ी छोटी थी, अभी माशाल्लाह बहुत बड़ी हो चुकी है। तो यही थे मेरे पेट्स, अभी ये कहीं जा रही है मिन्नू। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को पसंद करें तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा। मैं कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स, सब्सक्राइबर्स और फैमिली मेम्बर्स को। जितने भी मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, थैंक्स गाइस। क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच पाऊँगा, और थैंक्स, बहुत थैंक्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स मुझे बहुत अप्रिशिएट करे हैं। और बस यही कहना था मुझे आज के लिए, इतना ही गाइस, बाय।